सम्मानित स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 में सब्जेक्ट अकाउंट में लेसन नंबर 4 रोज नाम चार इसका उदाहरण नंबर 8 करेंगे। तो ये आठवां जो उदाहरण है वो व्यापारी बच्चा और नौकर बच्चा का है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले व्यापारी बट्टा किसे कहते हैं, रोकड़ बट्टा किसे कहते हैं, उसकी समझ। तो अधिकतर कंपनियां वस्तु के पैकिंग के ऊपर कुल कीमत लिखते हैं, इस कीमत से खुले बाजार में बिक्री की जाती है। उत्पादक या थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को बेचते समय कुल कीमत में से अमुक प्रतिशत छूट देते हैं, जिसको व्यापारी बट्टा कहा जाता। व्यापारी बट्टा से थोक व्यापारी या उत्पादक को कोई भी खर्चा नहीं होता है तथा फुटकर व्यापारी को आवक भी नहीं होता, इसीलिए व्यापारी बट्टा की हिसाबी बही में प्रविष्टिया में उसका लेखा नहीं होता है। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि व्यापारी बच्चा का लेखा रोजनामचा में प्रविष्टि में नहीं, उसकी गिनती होगी लेकिन उसका लेखा नहीं। इसके बाद है रोकड़ बट्टा। तो आज हम देखते हैं सामान्य रूप से तो सभी व्यापार धंधे में कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन व्यापारी वर्ग अपना बढ़ाने के लिए माल का उधार विक्रय करते हैं। तो ग्राहक माल की रकम शॉप की मुदत पूर्ण होने पर चुकाता है, मतलब कि उधार माल खरीदते ग्राहक तो उसकी जब उसका जो समय अवधि वो पूरा होता है उसी समय को ग्राहक उसको रकम व्यापारी को चुकाता है। परिणाम स्वरूप धंधा के अंदर कभी कभी रोकड़ की कमी महसूस होती है, बराबर। तो उधार विक्रय की रकम खरीदने वाला जल्द से जल्द चुकाए उसके लिए ग्राहक को कुछ प्रतिशत की छूट दिया जाता है, जिसे कहा जाता है रोकड़। मतलब कि व्यापारी ग्राहक को उधार माल बेचते हैं, ग्राहक जो है अपनी समय अवधि जब पूर्ण होती है उसी समय रकम व्यापारी को चुकाता है। तो कभी कभी व्यापार में रोकड़ की कमी महसूस होती है, तो ये कमी दूर करने के लिए व्यापारी ग्राहक को जल्द से जल्द रकम चुकाए इसके लिए कुछ प्रतिशत की छूट देते हैं, जिसको कहा जाता है रोकड़ बट्टा। रोकड़ बट्टा का लेखा प्रविष्टिया में होता है। रोकड़ बट्टा जो है वो व्यापारी के लिए खर्च है, तब बट्टा खाते उधार होता है, और जब व्यापारी के लिए फायदा हो तो बट्टा खाते जमा किया। जब व्यापारी रोकड़ बट्टा से छूट देते हैं तो व्यापारी के लिए खर्च है और ग्राहकों के लिए रोकड़ बट्टा या उपज या खर्च होने से व्यापारी और ग्राहक दोनों की बही में लिखा जाता है, नियत मुदत में रकम नहीं चुकाई जाए तो रोकड़ बट्टा का लाभ प्राप्त नहीं होता। तो स्टूडेंट, हम रोकड़ बट्टा और प्राप्त बट्टा, रोकड़ बट्टा में प्राप्त बट्टा दिया बट्टा ये दोनों आएगा, इसके बाद व्यापारी बट्टा। तो उदाहरण नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहार महेंद्र शर्मी के रोज नामचा में जुलाई 2014 तारीख के तरुणा ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। 2014 जुलाई 1, तरुणा ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। खरीदा है बराबर, व्यक्ति का नाम का उल्लेख है तो ये उदाहरण नंबर है। खरीद खाते उधार, तरुणा ट्रेडर्स खाता, यहां पे लिखा 10,000 का 10% व्यापारी बट्टा,
तो 10,000 रुपया कीमत है माइनस व्यापारी भत्ता घटेगा माइनस 10% व्यापारी भत्ता। 10,000 का 10% 1,000 घटाने के बाद आएगा 9, तो रकम क्या आएगा 9। व्यापारी भत्ता है तो 1,000 का लेखा कहेंगे 1,000 रुपया जो है वो माइनस करके उसका लेखा 9,000 होगा। विवरण 10% व्यापारी भत्ता से माल खरीदा, 7,000 का माल 5% व्यापारी भत्ता से नकद बेचा, नकद बेचा तारीख 5, नकद बेचा तो रोकड़ आ गया, तो रोकड़ खाते उधार गांधी ब्रदर्स खाते का तो 7,000 का 5% 350, तो 7,000 में से 350 घटाने पर आएगा 6,650। विवरण में लिखोगे 5% व्यापारी भत्ता से नकद माल के तारीख 8, ₹12,000 का माल मंगलदास के पास 10% व्यापारी भत्ता 5% रोकड़ भत्ता से खरीदा, रकम रोकड़ में दिया, तो यहाँ पे व्यापारी भत्ता भी है और रोकड़ भत्ता, रोकड़ भत्ता से खरीदा बराबर। जब व्यापारी ने रोकड़ भत्ता से माल खरीदा तो व्यापारी के लिए वो फायदा होता, तो ये प्राप्त भत्ता खाते जमा, और मंगलदास के पास से खरीदा है और रोकड़ भत्ता से खरीदा है, रोकड़ भत्ते का लेखा तब होता है कि जब ओवर रोकड़ होता है, यहाँ पे लिखा है रकम रोकड़ में दिया मतलब रोकड़ से ही खरीदा है तो रोकड़ भत्ते का लेखा भी होगा, खरीदा है तो खरीद खाते होगा। इसके बाद रोकड़ से खरीदा है तो रोकड़ खाते का, इसके बाद व्यापारी ने माल खरीदा है तो खरीदा है तो रोकड़ बट्टा का फायदा हो रहा है तो प्राप्त बट्टा खाते का। अब हम गिनती करेंगे, 12,000 की कीमत है माइनस 10% व्यापारी भत्ता, 12,000 का 10% 1,200 घटाने के बाद 10,800 बराबर, तो खरीद खाते उधार होगा 10,800। इसके बाद पांच प्रतिशत
रोकड़बट्टा, तो रोकड़बट्टा भी घटेगा माइनस 5% रोकड़बट्टा, 10,800 का 5% होगा 540, घटाने के बाद आएगा 10,260। देखो यहाँ पे 10,800 का माल खरीदा बराबर, तो रकम चुकानी है 10,800, लेकिन 5% रोकड़ बट्टा मिल रहा है, तो ये 540 रुपया जो है वो प्राप्त बट्टा, मतलब इतना फायदा हुआ है। अब रकम चुकाने कितनी है 10,260, तो रोकड़ में लिखेंगे 10,260 और प्राप्त बट्टा में लिखेंगे 540, हो गया टोटल 10,800। विवरण में लिखेंगे 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से नकद माल खरीदा। तारीख 10, विरल को 11,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से बेचा, जिसकी रकम रोकड़ में मिली, माल बेचा है व्यापारी रोकड़ बट्टा से बेचा है और रोकड़ मिली है, जब माल बेचा जाता है तब रोकड़ बट्टा खर्च होता है, मतलब उधार होगा और रोकड़ मिल रही है, तो रोकड़ खाते उधार रोकड़ बट्टा है, तो बट्टा खाते उधार बिक्री खाते का। गिनती में 11,000 का माल है, बेचा है 10% व्यापारी बट्टा, तो माइनस 10% व्यापारी बट्टा, 11,000 का 10% 1,100, घटाने के बाद 9,900, तो बिक्री खाते जमा लिखेंगे 9,900। उसके बाद 5% व्यापारी बट्टा रोकड़ माइनस 5% रोकड़ बट्टा, ₹9,900 का 5% 495, घटाने के बाद 9,400 रोकड़ में मिलनी चाहिए थी 9,900 बराबर, उतना माल बेचा है लेकिन उसने 5% रोकड़ बट्टा है, तो ये 495 रुपया खर्च हो गया, नुकसान हुआ, तो बट्टा में लिखेंगे 495 और रोकड़ में लिखेंगे 9,405, तो बिक्री खाते 9,900। विवरण में लिखेंगे 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से नकद माल बेचा।
dari bar. Rupiah dengan kamar. 10 प्रतिशत व्यापारी बट्टा 10 प्रतिशत नौकर बट्टा से बिहारी के 10 पैसे खरीदा आधी रकम तुरंत चुका दिया मतलब के आधा व्यवहार रोकड़ है और आधा व्यवहार उधार है और रोकड़ बट्टा भी है व्यापारी बट्टा है तो खरीदा है तो खरीद खाते उधार इसके बाद आधी रकम रोकड़ चुकाई है तो रोकड़ खाते का इसके बाद आधी रकम नहीं चुकाई है तो बिहारी ब्रदर्स खाते का यहां पे माल खरीदा है तो फायदा हो रहा है तो बट्टा खाते का गिनती में 8000 का माल खरीदा दस प्रतिशत व्यापारी बट्टा माइनस 10% व्यापारी बट्टा 8000 का 10% 800 घटाने के बाद 7200 बराबर तो खरीद खाते उधार होगा 7200 आगे लिखा है कि 10% रोकड़ बट्टा से जितना माल बेचा है उसमें से आधी रकम आई है तो आधी रकम पे ही रोकड़ बट्टा की गिनती होगी टोटल 7200 के रोकड़ बट्टा की गिनती नहीं होगी बराबर रोकड़ बट्टा की गिनती 7200 का आधी रकम जो है इसके ऊपर होगा तो 7200 का आधी रकम जो है वो 3600 मतलब के 3600 तो आधी रकम चुकाई नहीं बराबर आधी रकम चुकाई है तो जितनी रकम आधी है वो नहीं चुकाई है तो बिहारी ब्रदर्स खाते व्यक्ति का नाम खाते हमने जमा किया है तो उसमें लिखेंगे 3600 बिहारी ब्रदर्स और 3600 रुपया जो रकम चुकाई है इसके ऊपर 10% रोकड़ बट्टा तो 3600 माइनस 10% रोकड़ बट्टा 3600 का 10% होगा 360 घटाने के बाद आएगा 3240 तो बट्टा खाते लिखेंगे 360 और रोकड़ खाते लिखेंगे 3240 यहां पे चुकाना था टोटल 7200 की जगह पे आधी रकम चुकाई 3600 चुकाया लेकिन 3600 में भी जितनी रकम चुकाई उसमें रोकड़ बट्टा है 3600 में भी 360 रोकड़ बट्टा मतलब ये फायदा हुआ तो बट्टा खाते 360 और रोकड़ चुकाई 3240 और जितनी नहीं चुकाई है मतलब कि आधा उधार है तो बिहारी ब्रदर्स खाते हमने लिखा 3600 विवरण में लिखेंगे 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से माल खरीदा आधी रकम नकद चुकाई आगे 15,000 रुपया 15,000 का माल विमल को 10% व्यापारी बट्टा और यदि 20 तारीख तक रकम चुका है तो 10% रोकड़ बट्टा से बेचा तो यहाँ पे 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है और लिखा है कि 20 तारीख तक
मतलब कि 20 तारीख के समय अवधि इसको दिया है 5 दिन का, तो उसी समय में वो रोक कर चुका है तो उसको 10% रोक कर बट्टा दिया जाएगा। तो अभी जो है तो हमारा व्यवहार उधार है बराबर, तो इस हिसाब से हम यहाँ का एंट्री करेंगे। तो विमल को बेचा है तो विमल खाते उधार बिक्री खाते का पंद्रह हजार का दस प्रतिशत व्यापारी बचा पंद्रह हजार में से पंद्रह सौ घटाने पे रकम आएगा 13,500। विवरण में लिखेंगे 10% व्यापारी बट्टा से विमल को माल बेचा, तारीख 15 की बिक्री में से आधी रकम का चेक विमल ने दिया जो बैंक में भरा। देखो विमल को 13,500 का माल बेचा था, उसने आधी रकम जो है वो चुकाई है, आधी रकम चुकाई है और बैंक अब उसने चेक दिया है तो ये चेक जो है वो बैंक में जाएगा बराबर। तो बैंक खाते उधार इसके बाद हमने माल बेचा है तो नुकसान हो रहा है बट्टा बराबर, तो बट्टा खाते उधार क्योंकि 20 तारीख तक चुका है तो उसको रोकड़ बट्टा देना था, तो बट्टा खाते उधार विमल खाते का उसने 13,500 उसकी आधी रकम चुकाई है तो 13,500 का आधा होगा 6,750। तो विमल खाते लिखेंगे 6,750, 6,750 रुपया उसको चुकाना है बराबर। 20 तारीख पहले चुका दिया वो 18 तारीख को, तो उसको 10% व्यापारी रोकड़ बट्टा देना है तो 6,750 का रोकड़ बट्टा है 10% 675 बराबर। तो 675 रुपया उसको कम चुकाना है तो रकम आएगी बैंक में 6,050। विवरण में लिखेंगे विमल ने आधी रकम चुकाई, आधी रकम का चेक तारीख 22 विमल ने बाकी लेनी रकम रोकड़ में चुकाई। अब बाकी लेनी रकम मतलब आधी चुकाई थी तो आधी उसकी रकम चुकानी बाकी है, लेकिन वो 22 तारीख को चुका है इसलिए उसको रोकड़ बट्टा का लाभ मिलेगा नहीं, तो लिखा जाएगा रोकड़ खाते उधार 6,750 विमल खाते का 6,750। विवरण लिखेंगे विमल ने लेनी रकम चुकाई, आगे
25 सुनीता के पास से 1020 लेने थे, उसने चुकते हिसाब में 1000 लेकर दिया, बराबर 1020 लेना, उसकी जगह पे 1000 रुपया ही वो नकद दे रहे हैं, तो ये 20 रुपया जो कम चुका रहे हैं उसको कहा जाता है कसर, बराबर। जब यहाँ पे 20 रुपया नुकसान हो रहा है तो ये नुकसान हो रहा है तो कसर खाते उधर होता है, और जब फायदा होता है तो कसर खाते जमा होता है। तो रोजनामचा लिखेंगे रोकड़ खाते उधार 1000 रुपया दे रही है, तो रोकड़ खाते उधार 1000, 1020 लेना तो 20 रुपया कसर होगा, तो कसर यहाँ पे नुकसान है इसीलिए उधार, कसर खाते उधार 20 रुपया, और देने वाली है सुनीता, तो सुनीता खाते, सुनीता खाते का विवरण में लिखेंगे लेनी रकम कसर से मिली, तारीख की करते वैशाली को 810 के देवा पेटे 800 का चेक देकर हिसाब चुकते किया, वैशाली को चुकाना था 810, चुका रहे हैं हम 800 रुपया, वो भी चेक दे रहे तो 10 रुपया फायदा हो रहा है, यहाँ पे कसर नुकसान है तो उधर किया, यहाँ पे कसर फायदा हो रहा है तो जमा होगा, वैशाली को चेक दिया है बराबर, वैशाली खाते उधार 810 रुपया, कसर खाते का 10 रुपया, चेक दे रहे हैं तो बैंक खाते का 800, विवरण में देवा पेटे कसर देवा पेटे चेक दिया, ओके। तो ये व्यापारी बेटा रोकड़ बेटा उसका रोकड़ चेक पूरा हुआ, टोटल जो है वो आप कर लेंगे, आगे की वीडियो में हम उपज खर्च के व्यवहार वाला जो है वो क्वेश्चन या उदाहरण दोनों में क्लियर करेंगे।